गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर बुक, नोटबुक, पेंसिल एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। जो हमारा चैप्टर चल रहा था सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन क्या होती है? दो वैल्यू होती है जिसमें एक ग्रेटर वैल्यू होती है और एक स्मॉलर वैल्यू होती है। तो हम क्या करते हैं, एक बड़ी संख्या में से एक छोटी संख्या को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं। डिफरेंस जो उनका आंसर आता है उनको क्या कहलाता है? डिफरेंस कहलाता है। तो इसमें से हमने कर ली थी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारी एक्सरसाइज कौन सी है? 4.2। तो इसका क्वेश्चन सबसे पहले आप एक्सरसाइज लगाए 4.2 CW, फिर आज की डेट और ये जो क्वेश्चन है ये आपको राइट करना है। सब्ट्रैक्ट 4.2 ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ए में हमारे पास में है 3 कॉलम है, तो मैं कॉलम बना रहा हूं क्योंकि जो मेरा बोर्ड है वो बिल्कुल प्लेन है, सिंपल है, इस पे कोई लाइनें नहीं है, ना सीधी है, ना टेढ़ी है, ना एक लाइन है, ना दो लाइन है, ना 3 लाइन, ना 4 लाइन। तो मैं इसीलिए क्या कर रहा हूँ, बॉक्स बना रहा हूँ। तो आपको ये बॉक्स नहीं बनाना है क्योंकि आपकी नोटबुक तो बॉक्स वाली नोटबुक ही है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। वंस ये प्लेसेज होती है, डिजिट की प्लेस होती है। 1, 2 है 10 और 3 है 100 ठीक है। ये हमें कैरी के लिए छोड़ना है, बोरो के लिए ठीक है। देखो कैरी एडिशन में तो होती है कैरी, और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, बोरो लेते हैं। बोरो यानी उधार लेना। इसमें है मेरा सब्ट्रैक्शन का सिंबल जरूर लगाना है आपको, हर क्वेश्चन में सिंबल होना चाहिए। अब देखो यहां देखना है आपको, ध्यान आपका यहां देखो, 5 थे ये व्यक्ति है वंस, इसका क्या नाम है, वंस व्यक्ति के, वंस नाम का एक व्यक्ति था, उसके पास में कितने रुपए थे? 5 रुपए थे ठीक है। एक व्यक्ति आया उससे कितने रुपए मांगता था? 4 रुपए। तो ये दे पाएगा उसको? वंस के जेब में कितने हैं? 5 रुपीज है। अब उसको जो मांगने वाला आया उससे उससे पैसे जो मांगता था वो कितने रुपए? 4 रुपीज मांगता था। तो वो आराम से दे पाएगा, क्यों? क्योंकि उसके जेब में ज्यादा है, उससे ज्यादा है। तो 5 में से इसको 4 देगा, तो उसके पास अब इस वंश के जेब में कितने रहेंगे पैसे जब ये इसको दे देगा पूरे पैसे खत्म? तो अब 5 है, 5 में से 4 कटेगा तो क्या बचेगा उसके पास? 1 रुपीज। तो वंश के जेब में अब कितना पैसा बचा? 1 रुपए बचा। एक दूसरा और व्यक्ति था, उसका क्या नाम था? टेंस। उसकी जेब में कितने पैसे थे? 4 रुपीज। पर उसके पास में एक व्यक्ति आया पैसे मांगने के लिए, जो उससे उधार जो उससे पैसे मांगता था वो कितने रुपए मांगता था? 6 रुपीज। तो ये ऐसे थोड़ी बोल सकता है 4 रुपीज ले ले अभी 2 रुपीज नहीं, ये तो इसको पूरे चाहिए 6 के 6। अब ये क्या बोल रहा है, मुझे तो कहीं से भी लेके आओ, बोले आप उधार लेके आओ, बोरो लेके आओ, है ना, बोरो लेके आओ, कहीं से लेके आओ, मुझे तो पूरे पैसे चाहिए ठीक है। तो अब ये क्या करेगा ठीक है, ये जो है टेंस क्या करेगा, अपने पड़ोसी से क्या लेगा? बोरो लेगा ठीक है। अभी इसके पास में कितने हैं? 4। जब ये अपने पड़ोसी से बोरो लेगा तो अब इसके पास में कितने हो जाएंगे? 14 ठीक है, और यहां कट जाएगा। और जब इसका पड़ोसी, उसके पास थे 6, जब उसने एक बोरो दे दिया उसको अपने पड़ोसी को, तो अब इसके पास कितने हो गए? 5 ठीक है। अब हमारे पास में 14 हो गए, तो अब 14 रुपीज से हमें कितने रुपए देना है? 6 रुपीज। आराम से दे सकते हैं, 14 के ऊपर वाले 4 काट दो, फिर 2 और काट दो 10 में से, तो कितना बचा? 8। तो मैंने कैसे काटा, देखो ऊपर वाले 4
काट दिए तो बचा 10, 10 में से और 2 काट दिए तो बचा 8। अब 5 रुपीज है 100 के, अगला जो हमारा प्लेस कौन सा 100 है, 100 के पास में कितने रुपए हैं, 5 रुपीज है, उसको काटने कितने हैं, देने कितने हैं 2 रुपीज, तो 5 पैसे वो 2 रुपीज आराम से दे सकते हैं। अब पीछे कितना बचेगा उसके पास में 3 रुपीज। अब आपको प्लेस रीड करनी है, कैसे रीड करनी है, आपने किन किन को सब्ट्रैक्ट किया है, देखो एच वाला बॉक्स क्या है 100 और टेंस और वंस वाले दोनों बॉक्स को आपको एक साथ रीड करना है, ठीक है। तो देखो एच वाले बॉक्स में पहला एच कौन सा है, देखो 6 कितना है, 6 क्या है 100, 645 जो पहला नंबर आपका किया होगा 645 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया 264, आपने क्या किया 264। तो मैंने फिर पूछा अगला क्वेश्चन व्हाट इज द डिफरेंस, आपका डिफरेंस क्या है, तो आपने क्या बोला 3 क्या है 100, 381, तो आपका डिफरेंस क्या है 381। इसको आप कॉपी करें, तो हमें क्या है सब्ट्रैक्शन के आंसर को डिफरेंस बोलते हैं। तो हमें क्वेश्चन के साथ साथ उसमें खूब सारे और भी क्वेश्चन होते हैं छिपे हुए क्वेश्चन, वो सारे अपने को आने चाहिए। जैसे इनके ऊपर प्लेसेस लिखी हुई है तो प्लेस बोरो लेना, और ये की याद रखना सब्ट्रैक्शन में हम क्या लेते हैं बोरो लेते हैं, उधार लेने को बोलते हैं बोरो, और एडिशन में हम कैरी देते हैं, बी है हमारा। O for ones, T for tens, H for 100, ये हमारे लिए 1, 2, B है हमारे पास में 6, 9, 1, 2, 8, 6, ठीक है। तो ये क्या करना है, हमें हमारे पास में 6 है, जो ये वंश नाम का एक व्यक्ति है उसके जेब में कितने हैं 6 रुपीज है। अब जो उससे मांगने के लिए आया वह व्यक्ति उसको कितने रुपीज चाहिए 9 रुपीज चाहिए, तो इसके पास में 6 रुपीज ही है, 6 में से 9 क्या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये 6 ही है, छोटा नंबर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बोरो लेना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारे पास में कितने 6, जब इसने इससे बोरो लिया तो इसके पास हो गए 16, अब ये 6 कट गया, ये 1 भी कट गया क्योंकि इसने इसको बोरो दे दिया, तो 1 ही था और 1 ही बोरो दे दिया, तो इसके पास अब कितना बचा 0, क्या बचा 0। तो पहले हम यहां करेंगे, देखो अब हमारे पास हो गए 16 में से आपको 9 काटने हैं, ठीक है, तो 9 तो काट दो, 9 के आगे गिनो 16 कितना आता है, 9 मैंने काट दिए, चलो 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कितने बचे 7, ठीक है, ये 7। यहां देखो आपके पास में 0 रुपीज है और आपको किसी को देने हैं 2 रुपीज, दे पाओगे क्या, आपकी जेब में 0 है, 0 का मतलब कुछ भी पैसा नहीं है आपकी जेब में, एक भी रुपया नहीं, फिर भी आपको कोई मांगने वाला है उसको 2 रुपीज देना है, तो आप नहीं दे पाओगे, तो आपको उसको पैसे देने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा, तो ये भी क्या करेगा उधार लेगा, बोरो लेगा, किससे लेगा अपने पड़ोसी से। तो यहां इसने जब बोरो लिया तो इसके पास हो गए 10, और ये जो 100 है इसने इसको बोरो दिया, इसके पास पहले कितने थे 8 थे, जब इसने एक अपने पड़ोसी को दे दिया तो आप कितने हो गए 7, कितने हो गए 7। अब बताओ 10 में से 2 जाएगा, 10 रुपीज हो गए और हमने 2 रुपीज मांगने वाले को दे दिए, तो अब हमारे पास में कितने बचे, ये 10 थे, 2 काट दो, पीछे बचा 8, ठीक है, और 7 में से जब 6 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इसको भी आप रेट करो, आपने किस में से एक ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, देखो एच वाले बॉक्स में सारे 100 है, मैंने बोला था ये 800 होगा, ये 600 होगा, ये 100 होगा,
और दोनों लास्ट वाले वंस और टेंस हमेशा एक साथ बोले जाते हैं। तो ये 16, 29, 87। तो आप रीड कैसे करेंगे? आपने किसको सब्ट्रैक्ट किया? आपने 816 में से 629 को सब्ट्रैक्ट किया, तो आपका डिफरेंस क्या आया? 187। डिफरेंस क्या आया आपका? 187। अब इसको भी आप अपनी नोटबुक में कॉपी करें। तो आपको जब भी सब्ट्रैक्शन करें तो आपको बोरो लेना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये डिजिट नहीं कट रहा है, छोटी वैल्यू है। हमेशा हमारे पास में जो बड़ा डिजिट होना चाहिए, बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या माइनस हो सकती है, ये ग्रेटर डिजिट में से ही स्मॉलर डिजिट सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो आपको हमेशा अगर आपके पास कोई छोटा डिजिट है और आप उसमें से बड़ी संख्या सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हो तो आपको बोरो लेना पड़ेगा। आप सभी ने अब कर लिया होगा। अब हम लेंगे होमवर्क के क्वेश्चन, ठीक है? हमने किए थे ए और बी किया था, सी है, O for ones, T for tens, H for hundred. Six, nine, three, eight, two, seven, two. ठीक है, ये C है, ये D है आपका, 100, 9 में से आप 9 घटा सकते हो? नहीं घटा सकते। आपके पास में 6 रुपीज है और किसी को 9 रुपए देने हैं, कैसे दे पाओगे? आपके पास तो कम है पैसे, 6 रुपीज है, तो आपको बोरो लेना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा इससे, ठीक है? फिर यहाँ पे भी इसको बोरो लेना पड़ेगा, और यहाँ देखो आपके पास 0 रुपए है और आपको देना कितना है? 9 रुपए, तो नहीं दे पाओगे, ये भी बोरो लेगा, ठीक है? तो यहाँ पे बोरो लेके आपको करना है। तो आज की जो अपनी क्लास है फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।